रवाना हो गया है। इसे दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया। 615 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये मिशन करीबन 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। इसमें LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल भी किया गया है। इसरो के पूर्व चीफ माधवन नायर ने कहा कि इंसानी रूप से जो भी संभव था वो सब इसमें किया जा चुका है। ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता जिससे कि ये मिशन चंद्रयान-3 फेल हो। चंद्रमा के स्तर पर किसी अंतरिक्षयान की लैंडिंग दो तरीके से होती है, हार्ड या सॉफ्ट। हार्ड लैंडिंग में अंतरिक्षयान स्तर पर क्रैश होता है, तो वहीं सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान अंतरिक्षयान गति को धीरे धीरे कम करता है और फिर स्तर पर उतर जाता है। अब तक चंद्रमा की सॉफ्ट लैंडिंग कराने में 3 देश शामिल है, अमेरिका, रूस और चाइना। अगर भारत का ये मिशन सफल हो जाता है तो भारत का भी नाम इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा।